एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है, काफ़ी सारी हमने वीडियो बना ली है एमएससी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर को लेकर। तो हमने काफ़ी सारे जो ऊपर वाले मैथ्स है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना, ग्रुप एंड रिंग्स, जो कि 7-7 मार्क्स के आते हैं, रियल एनालिसिस, ये सारे क्वेश्चन मैथ्स हमने कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार ऊपर आइकन बटन पे क्लिक करो तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की टेलीग्राम ग्रुप में बहुत डिमांड आ रही थी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पे वीडियो बनाओ, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों को भी पता है कि सारे क्वेश्चन लेंथी लेंथी से होते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर लेंथी आए फिर तो ऐसा हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में आपकी मान लो 20-30 मिनट लग जाएंगी, है ना। तो स्टूडेंट्स को इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आइडिया चाहिए इस मैथ का। और ये भी देखो 6 मार्क्स का आ रहा है, कुछ कुछ मैथ्स आपके 5 नंबर के आ रहे हैं, कुछ 7 के भी आ रहे हैं, ये 6 मार्क्स का आएगा। तो अभी देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका सिलेबस है, ओके। और आपको इन सबकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या बोला उसने कि ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं मान सकती हूँ कि ये वाले थोड़े लेंथी आएंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे उसने कहा है कि आपका सेकंड डिफरेंस निकालना है और वो भी सिर्फ y8 का, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, y8 का। तो इसका मतलब आपको पूरी टेबल कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट वाले का क्या निकालना है, सेकेंड डिफरेंस। तो देखो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपके पास ये आपका जैसे x1 है, ये x2 है ना, ये x3, x4, x5, x6, x7 और ये x8 है, x8 है ना। सिमिलरली आपके y1, y2, y3, y4, y5, 6, 7 और 8। कुछ लोग तो क्या करेंगे, पूरी टेबल निकालेंगे और फिर वहां से जो सेकंड डिफरेंस आएगा वो करेंगे, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जो बैकवर्ड डिफरेंस होता है आपको पता होगा कि उसमें से और से पिछले वाला माइनस कर दो। तो अगर हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे y8 का तो वो क्या आएगा, y8 माइनस y7, है ना। तो यहाँ से पहले फर्स्ट निकालो, तो ये आपका y8 है और ये आपका y7 है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 512 माइनस 343, ओके। फिर जब आपको सेकंड डिफरेंस निकालना होगा इसका, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस। तो फिर से आपको क्या करना है, अब आपको बैकवर्ड डिफरेंस किसका चाहिए, पहले तो आप लिखोगे y8 का, देन माइनस ऑफ, सॉरी ये बट हट जाएगा, हाँ, और इसमें से y7 का बैकवर्ड डिफरेंस। इसकी तरह ही मतलब आप इसको एक बार कुछ और मान लो और फिर आपको क्या करना, पहले 8 वाला लिखना और फिर 7 वाला, तो सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब आपको बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 7 भी चाहिए, तो ये भी निकालो एक बार, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 7। तो देखो यहाँ से अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ जब 7 की बात आई तो y7 माइनस y6 ये करेंगे हम। तो यहाँ पर y7 है हमारा 343 और y6 है हमारा 216, ओके। तो मैं कैलकुलेटर ओपन रखती हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। हाँ, तो सबसे पहले है हमारा 512 माइनस 343, तो ये आएगा 169, सो दिस वन इज 169 और ये हमारा आएगा 343 माइनस 127, यह आया हमारा 127। फिर अब आपको क्या करना है, देखो सेकंड डिफरेंस में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारा आएगा 169 माइनस 127, 169, तो ये आएगा हमारा 42, है ना। वैसे तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं है, तो इसका हमारा आंसर है 42, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं आएगा आपको पूरी टेबल करनी पड़ेगी। अगर आपको डिफरेंस याद है ना कि फॉर्मूला क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस का, तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं पूछेगा। अगर 4-5 पूछे होते फिर तो आप टेबल से कर सकते थे, बट यहाँ पर सिर्फ एक का ही पूछा है, सारों का नहीं पूछा, तो आप कर दो बाय फॉर्मूले से, ओके। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट में क्या है, उसने पूछा है कि ये किसका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को याद हो कि जब भी हमारे पास ऐसे इंटीग्रेशन कुछ भी हो, सपोज 0 to something a और f(x) dx, और जब वहां पर होता है कि h/2, और पहले होता है सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, और फिर करते हैं डबल ऑफ बाकी सारी टर्म्स, तो ये हमारा होता है ट्रेपिजोइडल रूल, है ना, याद है ना सभी को। तो ये हमारा ट्रेपिजोइडल रूल। और वैसे भी आप लोगों को एक चीज, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं पता तो ये देख लो, अगर बाहर h/2 है तो ट्रेपिजोइडल रूल, और अगर बाहर h/3 है तो सिम्पसन वन थर्ड रूल, और बाहर अगर 3/8 × h है तो सिम्पसन 3/8 रूल, उससे भी याद कर सकते हो। लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ट्रेपिजोइडल रूल पे क्वेश्चंस भी आए हैं। नेक्स्ट, अभी देखो इसमें तो थर्ड डिफरेंस पूछा है ना। अब थर्ड डिफरेंस के लिए तो पूरा ही निकालना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही वैल्यू आएगी, तो पूरी टेबल सॉल्व करनी पड़ेगी। तो करते हैं, इसमें ही कर दो। देखो फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 - 9 = 21, इसमें ये गया 5, और 42 - दिस 5, 6, 7, है ना। फिर आप सेकंड डिफरेंस निकालो, और क्योंकि उसने बोला है फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो फॉरवर्ड ही निकाल रहे हम। अब 5 में से 21 गई, रुको, और ये आएगा 2। फिर नेक्स्ट, अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है, हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, तो 2 - दिस तो ये हमारा 18 आ गया। कुछ तो गड़बड़ की है। फॉरवर्ड डिफरेंस है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होता है। हाँ सॉरी सॉरी, चलो देखो फॉरवर्ड है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं। आई थिंक सेम ही आते हैं, वो बस माइनस का फर्क आता, तो ये माइनस का 21, और ये आएगा माइनस, नहीं माइनस नहीं, हाँ माइनस का 5, एंड यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 7। अब इसमें -21 + 5 तो आएगा -16, है ना, और इसमें से ये गया -5 + 7 तो 2। अब -16 - 2 ये तो फिर भी नहीं आ रहा, फॉरवर्ड डिफरेंस कुछ तो गड़बड़ है। चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अभी आगे देखते हैं। वैसे तो आई थिंक ये बुक में है हमारी। ओके चलो, नेक्स्ट इज, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं कि क्या है आपका, है ना। मुझे अभी पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा कि कैसे होता है, बट ठीक है चलो कोई नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका सॉल्व हो गया नहीं हो गया। टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हो सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इन दिस। तो देखो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो उसका मीन होता है n·p और वेरियंस होता है np·q, ये याद कर लो, इस पर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मीन उसने दे रखा है 3 और वेरियंस दे दिया q, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी, np³ / np करोगे तो np से np कैंसिल इज इक्वल टू 2/3, है ना। यहाँ से तो यहाँ से आपकी q की वैल्यू आ गई 2/3, तो p की वैल्यू क्या होती है 1 - q, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3। अब 1 में से इसको माइनस कर दो, और ये p की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो n की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहाँ से आपका n·1/3 दैट इज इक्वल टू 3 है, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 9। तो n मेरा 9 है और p की वैल्यू मेरी 1/3 है, तो n 9 और p है 1/3। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी मतलब x इज इक्वल टू r, तो आता है nCr p की पावर r एंड देन q की पावर 1 - r, है ना। ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का। तो यहाँ पर n की, p की, q की, इनकी वैल्यूज रख दो। आप देखो
नाइन है, 9c आ रहेगा, और p की वैल्यू है 1/3, q की वैल्यू है 2/3, और यहाँ पर 1 नहीं, n n माइनस r, सॉरी। हाँ तो ये वाला, ओके ये हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट में पूछा उसने कि गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला किसके लिए होता है। अगर आप लोगों को याद हो, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। उसमें टेबल भी दी होती है ना बहुत बड़ी सी, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन से रूल किस किस के लिए है। जैसे ट्रेपीजोइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल है ना, रंगे कट्टा मेथड, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ये सारे जो आयलर फॉर्मूला, मॉडिफाइड आयलर फॉर्मूला, पिकार्ड्स मेथड, ये सारे इंटीग्रेशन के लिए हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या कहा उसने, देखो अब उसने एफ 0 पे 1 दे दिया और एफ 1 की भी वैल्यू दे रखी है, और उसने पूछा कि ट्रेपीजोइडल रूल से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो। तो अगर आप लोगों को याद हो कि किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर निकालनी है बाय ट्रेपीजोइडल रूल, तो फॉर्मूला भी अभी लिखा था ना, एच बाई टू फर्स्ट, पहले तो फर्स्ट टर्म, फिर प्लस लास्ट टर्म, ओके, एंड देन प्लस ट्वाइस ऑफ बीच की जितनी भी बच गई वो सारी टर्म्स, और फिर ब्रैकेट क्लोज। बट यहाँ पर ना उसने दो ही वैल्यू दे रखी है, और क्योंकि देखो फर्स्ट वैल्यू 0 होनी चाहिए, लास्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो उसने 0 पे और 1 पर तो दे ही रखी है, और बीच की कोई वैल्यू नहीं दी। तो इसका मतलब मैं एच इज इक्वल टू 1 लेके चलूंगी। एच 1 का मतलब ये होगा कि मेरी स्टार्टिंग वैल्यू थी मेरी वो 0, और एक्स 1 है 1, ठीक है। तो गैप कितना है दो वैल्यूज के बीच में, 1, ओके। तो यहाँ पर एच की वैल्यू 1 पुट करो, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ, और फिर फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और लास्ट टर्म 2.72, 1 + 2.72, और कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो यहीं पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 3.72 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट, ये 8 × 2 = 16 और 6, 1.86, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को पता है ना कि देखो फॉर्मूले याद है अगर, तो क्वेश्चन ज्यादा लेंथ ही नहीं देगा, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं बट क्वेश्चन लंबी नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप सोच सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत लंबा दे दिया, बट ये लंबा नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वो बाउंड्रीज पर ही पूछेगा, तो इसलिए आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज भी याद रखो कि जब भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको स्टैंडर्ड बनाना हो, तो मीन को तो 0 कर दो और वेरियंस को 1 कर दो, ओके हमेशा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो म्यू हमारा वेरियंस है, सॉरी मीन है, और सिग्मा हमारा वेरियंस है। तो ये वाला मीन 0, वेरियंस 1, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द पैरामीटर एन। तो अभी हमने जो देखा है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस वन, ये वाला, तो इसने पूछे कि यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो आप क्या क्या ले सकते हो। अब जो एन है ना, जैसे कि ये जो एन सी आर लिखते हैं, ये हमेशा तभी मतलब वेल डिफाइंड होता है जब आपकी एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो, क्योंकि एन हमेशा आपका यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आप देखोगे तो हमेशा एन आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना, और पॉजिटिव भी इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन वाले नहीं चलते, तो रेशनल नंबर्स भी नहीं चलेंगे। तो उसने कहा यहाँ पर कि पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव तो होना चाहिए बट रियल नहीं, मतलब इंटीजर्स होना चाहिए, तो ये हमारा गलत, रेशनल बोला है ये भी गलत, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला ये ठीक है, नेगेटिव भी नहीं चलते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला भी गलत है, मतलब इंटीजर बोल दिया बट उसमें सारे इंटीजर आएंगे ना, बट वो गलत है, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। नेक्स्ट, अब उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन दो तीन बार आया, ऑप्शंस यही आए हैं एज इट इज। तो आप लोगों को अगर याद हो, आपने कुछ प्रॉपर्टीज किए हैं फर्स्ट चैप्टर में, फॉरवर्ड डिफरेंस की, शिफ्ट ऑपरेटर की, है ना, कि वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो वहां पर अगर आप जाकर देखोगे ना,
ये तो डेफिनेशन ही है डेल्टा की. डेल्टा इज सेंटर ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर. तो अपनी बुक में जाके देखो, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर फर्स्ट पेज पे ही है, फर्स्ट चैप्टर के, मतलब फर्स्ट पेज इन द सेंस कि सेकंड पेज, तो फ्रंट वाला पेज है, उसके बैक में जो पेज है ना, तो उसमें ही लिखा हुआ है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटर. तो उसमें क्या होता है कि जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू एंड देन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये होता है. लेकिन हमें एक चीज और पता है कि जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है ई, उसका मतलब होता है अगर आप ई लगाओ किसी भी फंक्शन पे, है ना, उसकी पावर अगर 1 है, तो वो क्या करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक आगे शिफ्ट कर देता है. अगर आप पावर -1 करोगे ई की पावर -1, तो वो आपको देगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच. तो बेसिकली वो पावर पे डिपेंड करता है कि एच का क्या होगा. तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, दिस वन एंड दिस वन, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो ना, दिस इज इक्वल टू ई ऑफ हाफ, क्योंकि यहाँ पर एच के साथ हाफ आ रहा है, एंड देन माइनस ई ऑफ माइनस हाफ, शिफ्ट ऑपरेटर की पावर दिस. तो यहाँ पर देखो, ये हमारा फोर्थ वाला भी करेक्ट है, और ये दो तो हमारी बुक में एकदम प्रूव किए हुए हैं कि हमारे शिफ्ट ऑपरेटर इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं. तो ओनली थर्ड इज लेफ्ट जो कि इनकरेक्ट है, तो ये चीज आप ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट में बोला है फाइंड द थर्ड डिफरेंस, तो इसमें भी अब आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा, है ना, बट इसमें डिवाइडेड डिफरेंस बोला है. तो देखो, एक मिनट, ओके. तो देखो, हमें फंक्शन क्या दिया है, एक्स की पावर 3 माइनस 2x, और ये हमारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इसको अलग से लिखते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x, और ये हमारे 2, 4, 9, 10, ये हमारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है. आर्ग्यूमेंट्स का मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स लिखते हैं और फिर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, 2, 4, 9, 10. अब यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह पुट करो, तो यहाँ पर जब आप 4, 2 रखोगे, तो 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 2 2 इंटू 2, तो 8 माइनस 4 4. इसी तरह से यहाँ पे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, माइनस 4 दूनी 8, कितना आएगा, 56, है ना. इस तरह से जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, 9 की भी करो और 10 की भी करो, अब आप अपने आप बताओ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए. तो 9 की पावर 3. ओके, मैं एक मिनट रुको, कैलकुलेटर ओपन करती हूँ. तो ये हमारा आएगा 711. और इसी तरह से जब हम 10 पुट करेंगे, तो 10 का तो डायरेक्टली है 1000 माइनस 20, तो ये हमारा आ जाएगा 980. ओके, तो ये हमारे हो गए पहले तो फंक्शन, मतलब वैल्यूज हो गई और आर्ग्यूमेंट्स हो गई. फिर अब हमें उसके डिफरेंस निकालना है, वो भी डिवाइडेड डिफरेंस बोला उसने, सिंपल नहीं बोला, कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस. तो डिवाइडेड डिफरेंस में हमें इनकी भी, इनका भी डिफरेंस डिवाइड करना होता है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है. तो यहाँ पर, सो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो बीच में एक वर्टिकल लाइन आती है ना, एफ ओफ एक्स. ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस, 56 माइनस 4, और 4 नीचे आएगा 4 माइनस 2. सिमिलरली इसका तो 711 माइनस 56, देन 9 माइनस 4, एंड देन दिस वन इज 980 माइनस 711, एंड देन डिवाइडेड बाय 10 माइनस. ओके, सो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 26. रुको, मैं कैलकुलेटर ही यूज कर रही हूँ. ओके, तो ये हमारा आएगा 131, और देन नेक्स्ट इज
नेक्स्ट तो हमारा 269। या देन सेकंड डिफरेंस। अब सेकंड में भी यही करेंगे कि 131 माइनस 26, बट अब की बार एक एक छोड़ के, अब की बार हमें ये वाला लेना है कि पहले इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अब हमारा आएगा 9 माइनस 2, एंड देन सिमिलरली फॉर दिस 269 माइनस 131 एंड देन डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4, सो दिस विल बी इक्वल। ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनल लिया, बट ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं दिया अपने को। तो ये हमारा 15 आएगा और ये हमारा 23, जो भी है। देन नेक्स्ट वन इज थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में क्या करेंगे, 23 माइनस 15, और अब की बार ये वाला, मतलब इनका डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट का, तो 10 माइनस 2 करना है, सो डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, सो दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर हमारा कितना आ रहा है 8, नीचे भी 8, तो ये हमारा 1 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो कितना आया है, 1। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, रिकरेंस फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बुक में भी वैसे तो सॉल्व किया हुआ है, मैं बता देती हूँ कि क्या है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करना चाहती, वैसे तो हम कर सकते हैं, बट आप लोग याद कर सकते हो इसको। तो पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर बाय आर प्लस 1, पी बाय क्यू और देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। सो कौन सा है हमारा, ये वाला थर्ड। ओके, आप लोग बुक में जाके भी देख सकते हो कि रेकरेंस फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, वहां से मिल जाएगा। 5.9 आर्टिकल है ये वाला। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है, नॉर्मल वेरिएंट की बात की है। अब नॉर्मल वेरिएंट में उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबली लिमिट्स, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा आर्टिकल है, बट जब आपके पास म्यू प्लस माइनस सिग्मा होता है और ये कहता है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, ऐसे बढ़ाते जाओ म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो जैसे जैसे आप ये सिग्मा की मल्टीपल करते रहोगे ना, वैसे वैसे आपका एरिया क्या होता जाएगा, वैसे वैसे अब ये म्यू प्लस माइनस सिग्मा है वो आपका एरिया कवर करेगा 68.27%। ये आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार बस बुक से बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये सब भी नहीं पता तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये है बेसिकली। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा की। तो यहाँ पे उसने वही पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, तो वो आएगी म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। बट अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये ऐसा होता क्यों है। अगर आपको ये नंबर्स याद नहीं है, आप ये याद नहीं रख सकते, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। ओके, तो ये जो लाइन है ना, ये ओरिजिन नहीं है, ये मीन है। ओके, अब जैसे जैसे आप म्यू प्लस माइनस सिग्मा करोगे, सपोज आपका सिग्मा कुछ भी है, तो आपने किया म्यू प्लस माइनस सिग्मा, तो मान लो आपका सिग्मा इतना है, यहां से यहां तक ये सिग्मा हो गया, तो इधर लोगे लेफ्ट साइड में तो माइनस होगा, इधर लोगे तो प्लस होगा, तो आपका ना ये वाला एरिया आएगा, दिस वन, ये वाला, ठीक है। कितना भी एरिया है मुझे नहीं पता, बट सपोज करो ये मेरा एरिया है 68.27%। बट अगर आपने इसका डबल कर दिया, जैसे यहाँ पे इतना डिफरेंस था, ये सिग्मा था, इतना और ले लो, है ना, तो अब आपकी जो दूसरी लाइन आएगी वो ये वाली आएगी, यहाँ पर ये आपका 2 सिग्मा आएगा, तो इधर भी इतना ही सरकेगा, ये भी 2 सिग्मा आएगा, तो ये माइनस का 2 सिग्मा है और यहाँ पर प्लस के है, तो अब आपका एरिया इतना बढ़ गया, ये भी आएगा और ये भी आएगा, समझ रहे हो, तो अब आपका एरिया इंक्रीज हो गया ना। तो यहां से इसने बोला देखो कितना इंक्रीज हो गया 95 तक। फिर आप थोड़ा सा और करो, अब आप यहां पर आए, अब मैं किससे लूं, ब्लू कलर वाला देखो, अब यहां पर आया आपका माइनस 3 सिग्मा, इसी तरह से यहां पर आए 3 सिग्मा, अब आपका इतना एरिया और बढ़ गया,
सो दैट मीन्स आपको आगे 99% तक। तो इसका मतलब जितना आप दूर दूर जाते रहोगे उतना आपका एरिया बढ़ता रहेगा ना, तो दैट मीन्स कि जितना आप म्यू प्लस माइनस सिग्मा करते रहोगे वैसे वैसे आपकी प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होती रहेंगी। तो यहाँ पर यही रूल लगाएंगे, और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा ही सबसे बड़ा दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर है प्लस माइनस सिग्मा, 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये वाला तो और भी ज्यादा बनाएगा, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि कम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर 2 म्यू कर दिया तो ये नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो अभी अभी मैंने बताया था कि ये वाला भी करेक्ट होता है, ये वाला भी करेक्ट होता है, ये वाला भी करेक्ट होता है, बट उसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, कि ये हमारा इनकरेक्ट है तो इसलिए ये करेक्ट है ना। ओके नेक्स्ट देखो, उसने बोला फाइंड द मिसिंग टर्म। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना थोड़ी गैसिंग नहीं चलती, कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो आपकी गैसिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप ध्यान से देखो कि 0 का आंसर 1 आ रहा है, 1 का 3, 2 का 9, तो आप सोच रहे होगे कि 3 की पावर कर रहे हैं, है ना, ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 आनी चाहिए, तो बेसिकली कितना आना चाहिए, 3 की पावर 3 ना, कितना होता है 27, तो आप सोच रहे होगे आंसर तो मेरा यही है दिस वन, बट रुको अभी सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो हमें टेबल दी गई है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये टेबल है इधर ही। अब आप ये देखो कि आपको कितनी वैल्यूज गिवन है, 1, 2, 3, 4, है ना, आपके पास ये वाली 4 वैल्यूज है, 1 है, 3 है, 9 है और 81 है। ओके तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू पूछी है, तो जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन हो उतना डिफरेंस लो, तो बुक में भी वैसे तो सॉल्व है ये, बट देखो तो हम क्या करते हैं, फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा है, जहाँ पे हमने पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस की फर्स्ट चैप्टर है ना, वहाँ पे हमने देख रखे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिटेल में देखना तो वहाँ पे जाके देख लेना, अभी क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं। तो फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पर फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे अगर हम, तो ये सबके लिए ट्रू होता है, तो क्यों ना ये मैं स्टार्टिंग वाले के लिए लूँ, वाई नॉट के लिए। अब क्योंकि इस डेल्टा की पावर 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ से देखो ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यहाँ से जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, e-1, तो यहाँ पे हम रखेंगे e-1 की पावर 4, वाई नॉट इज इक्वल टू 0। अब बाइनोमियल से इसको ओपन कर दो, सो नाउ इट विल बी इक्वल टू e की पावर 4, देन -4 × e की पावर 3, देन फिर प्लस आएगा, प्लस में वो क्या होता है 4c2 ना, 4 × 3/2 × 1 जो भी आएगा, मतलब e2, देन फिर यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस में फिर वापस से 4 आ जाएगा अपना, 4 × e एंड देन +1, वाई नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी कैंसिल कर दो, क्या बच रहा है 6 आ रहा है, तो ये हमारा 6 है। ओके तो अब ये बना मेरा e की पावर 4 × y0, और e का मैंने अभी बताया था e की जितनी भी पावर हो ना y उतना शिफ्ट हो जाता है, तो अगर e की पावर 4 है तो y को 4 टाइम्स शिफ्ट कर दो, तो 0 में अगर आप 4 बार आगे चलोगे तो y 4 तक पहुंच जाओगे, तो ये y 4 है, -4 ये y 3 आएगा, +6 y 2, -4 y 1 एंड +y0 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास वैल्यूज है यहाँ पर, ये मेरा वाई नॉट है, ये वाई वन है, ये वाई टू है, वाई थ्री नहीं है, वाई फोर है ना, तो ये पुट करते हैं, 81, वाई फोर है 81, -4 × वाई थ्री मेरे पास नहीं है, वही निकालना है हमें, तो ये हमारा था 9, -4 × 3, देन +1, ठीक है, तो ये हमारी इन पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहाँ से मुझे मिलेगा 124 इज इक्वल टू 4 × y3। ओके तो यहाँ से मेरी जो y3 है उसकी वैल्यू आ रही है 31, जबकि आप लोग गेस क्या कर रहे थे 27,
तो मैं वही कह रही थी कि फॉर्मूले से मत जाना कि 3 की पावर दिख रहा है तो वो आंसर होगा, इसका आंसर 31 है। ओके इस तरह से। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। ये मैंने ना लीनियर अलजेब्रा वाली वीडियो में भी बता रखा है कि जब भी आपके पास आइगन वैल्यूज हो और अगर आपको उनका सम चेक करना हो तो वो हमेशा ट्रेस के इक्वल होता है, और जब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर सम की जगह प्रोडक्ट दे दें तो ये आंसर है, बट अभी सम पूछा है तो ये आंसर नहीं है, ट्रेस आंसर है। तो दो क्वेश्चन हो गए है ना, अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो डिटर्मिनेंट लगाना है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट सिम्पसन 3/8 रूल। हाँ ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखो कि कौन से रूल कौन से पॉलीनोमियल को अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपके पास ट्रेपीजोइडल रूल है तो हमेशा वो 1 डिग्री के पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। 1 डिग्री का पॉलीनोमियल मतलब ए एक्स प्लस बी टाइप का है ना, तो उसको एकदम एग्जैक्ट आंसर देने वाला है। जब आते हैं सिम्पसन 1/3 रूल, वो करता है 2 डिग्री के पॉलीनोमियल को। सिम्पसन 3/8 रूल, वो करता है 3 डिग्री के पॉलीनोमियल को। तो ये एक एक डिग्री बढ़ाते जाते हैं, इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई करेगा इसको। ओके तो अगर आप ट्रेपीजोइडल रूल लगाओगे कोई भी पॉलीनोमियल जो कि 1 डिग्री से बड़ा है तो वो एरर देगा, कुछ ना कुछ एरर देगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। तो ये पूछा उसने, तो सिम्पसन 3/8 रूल किसके लिए बहुत अच्छा है, 3 डिग्री के पॉलीनोमियल के लिए, तो ये चीज याद रखना। ओके अब देखो यहाँ पर वही ट्रेपीजोइडल रूल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं है ना। ट्रेपीजोइडल रूल क्या उसने बोला है, उसका इस्तेमाल करके इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, h बाय टू, h देखो क्या होता है, x की वैल्यूज का डिफरेंस, या 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5 एंड देन 2। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, x के बीच में हाफ का गैप है ना, तो h इज इक्वल टू 0.5। अब बस आंसर क्या होता है, एच बाई टू सम प्लस सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी लास्ट टर्म है ना, तो 1 + 0.1 ये आएगा, प्लस अब 2 इंटू अंदर के जितने बच गए 0.8, 0.5, 0.3, इनको सॉल्व करते हैं, और h की वैल्यू मेरी 0.5 है, तो 0.5/2 और ये आएगा मेरा 1.1 प्लस ये कितना आएगा 8, और ये भी 8, 8 × 2 = 16, तो 2 × 1.6, सो दैट विल बी 5/, मैं डेसिमल को नीचे लेके जा रही हूँ, 5/20, 1.1 प्लस 16 × 2 = 32, सो दैट विल बी 5/20 और ये हमारा आएगा 4.3 है ना, 11। तो पूरे ही सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं चलो। सो यहां से आया हमारा 10/10 कर लो, ये डेसिमल हटा लेते हैं, 43 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 20 और 1 = 21, 215/200, 2 से डिवाइड कर दो इसको एक बार, देखो कितना आएगा, 1 और फिर 0 और कितना आएगा 7.5, देन डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 1, 2 0 और तो 0.75, ये आना चाहिए ये वाला। ओके तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट में देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, उस इसमें भी क्या बोला आपको कि आपको बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है वाई फाइव का है ना। तो देखो पहला बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है वाई फाइव ही है ना ये, चलो देखते हैं, आई थिंक फाइव ही पूछा है, बड़ा करके देखते हैं एक मिनट, अरे हाँ फाइव ही है। ओके तो वही है उसकी तरह ही है, तो पहले आप बैकवर्ड डिफरेंस निकाल लो y5 का, y5 का आएगा 26 - 17,
तो हमारा आएगा 9। और फिर सिमिलरली बैकवर्ड डिफरेंस निकालो 4 का, वो हमारा आएगा 17 माइनस 10, 7। तो डबल डिफरेंस निकालना है y5 का, तुम्हारा आएगा डबल डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y5 माइनस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y4, दैट इज y माइनस 7, दैट इज 2। सिंपल, तो 2 आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें कि ना डेरिवेटिव वाले, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं तो छोड़ सकते हो इसको, बट मैं करवा देती हूँ। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला कौन सा होता है, और वो भी डेरिवेटिव का, क्योंकि यहाँ पर वाई डैश बोला उसने, है ना। तो मैं लिख देती हूँ, देखो। तो डेरिवेटिव करना है अगर आपको फंक्शन का किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है 1/h, देन फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f एट एक्स नॉट, देन हाफ ऑफ सेकेंड डिफरेंस f ऑफ एक्स नॉट, एंड सिमिलरली नेक्स्ट 1/3 थर्ड डिफरेंस, ऐसे। एंड फिर नेक्स्ट आएगा -1/4x की पावर दिस, है ना। तो ऐसे चलता रहेगा ये, तो ऐसे डैश डैश डैश, ये आपका फॉर्मूला है, वो भी डेरिवेटिव का। तो अब देखो, आपको सारे निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस तो पूछा ही है, तो फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, है ना। तो 4, 8, 15, 7, 6, तो टेबल लिखते हैं। 4, 8, 15, 7, 6, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। अब हमें निकालना है एफ फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से आएगा 8 माइनस 4, ये आएगा 15, 5, 6, 7, और ये कितना आएगा 5, 6, 7, 8, माइनस के 8, और ये माइनस का 1। देन सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस आएगा 7, 3 आएगा यहाँ पर, -8 -7, 7 × 2 = 14 और 1 = 15, देन माइनस का ये और प्लस का ये, तो प्लस के 7। थर्ड डिफरेंस -15 -3, तो माइनस का 18, 7, और ये प्लस का हो जाएगा, तो 17 और 5 = 22। नेक्स्ट, इसमें से इसको माइनस करना है, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं आएगा, 22, हाँ 40। ओके, तो ये हमारे डिफरेंस आए। अब उसने देखो कि किसकी वैल्यू पूछी है, उसने बोला है 0 पे डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ पर एक्स नोट की जगह 0 रखना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, ये सारी चीज किसकी देखनी है, 0 की। तो 0 का फर्स्ट वैल्यू ये है, फर्स्ट डिफरेंस ये है, सेकंड डिफरेंस ये है, थर्ड डिफरेंस ये है, और फोर्थ डिफरेंस ये है। तो ये जो मैंने हाईलाइट करी है ना वैल्यू, सिर्फ इनकी वैल्यूज हैं, इनको आप स्किप भी कर सकते हो कैलकुलेट करते हुए, बट निकालना पड़ेगा ये 40 कैसे आएगा नहीं, तो है ना। तो पूरी टेबल निकालनी पड़ेगी, ये सारी वैल्यूज अभी हम इधर फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/h की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पर अगर देखोगे तो h की वैल्यू 1 है ना, सबका डिफरेंस 1 ही है, तो 1/1 आएगा बेसिकली। फर्स्ट डिफरेंस आया मेरा 4 माइनस हाफ, आई थिंक सेकेंड डिफरेंस था ये 3 है, -18, 40। ओके, तो यहाँ पर आएगा 3, फिर यह आएगा माइनस का 18, और यह आया 40, और उसके आगे के डिफरेंस है नहीं, तो ब्रैकेट क्लोज, इससे इसको काट दो, 10 आएगा, और 3, 6, 18, तो माइनस का 6, ये माइन इतना ही रहेगा। सो 4 माइनस 3/2 है ना, तो 1.5, माइनस का 6, माइनस के 10, तो 4 कितना आया, 16, 17, माइनस के 17.5, सो दैट इज माइनस का 13.5, ये आंसर है, देखो ये रहा। ओके, इस तरह से करना, मतलब बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं था। ओके, देखो ये भी वापिस से ट्रेपिजोइडल का आ गया, तो आपने देखा ना ट्रेपिजोइडल के सिम्पसन 1/3 3/8,
जो सिम्पसन वाले हैं उनके तो मेरे ख्याल से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट ट्रेपीजोइडल के सॉल्व करने भी आए हुए हैं, तो ये इन चीजों का ध्यान रखेंगे हम थोड़ा। तो यहाँ पर ट्रेपीजोइडल का वो फॉर्मूला लगा दो कि एच बाई टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड देन मल्टीप्लाई बाई टू बीच की सारी वैल्यूज। तो एच तो मेरा 1 ही दे रखा है ना, सारी वैल्यूज का डिफरेंस कितना है 1, तो एच बाई टू का मतलब 1/2। मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख रही हूँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म, देन प्लस 2 इंटू बाकी की सारी 0.5 प्लस 0.2 प्लस कितना है 0.1 प्लस 0.06, आई थिंक सही लिखा है, एक ये हो रहा है 0.04। 04, ओके बस इतना ही है। तो इसको हम क्लोज करते हैं, अब इनको बस सॉल्व करना है। 1/2 ये आएगा मेरा 1.02, देन प्लस 2 इंटू ये देखो कितना बनेगा, ये और ये मिला के बन गया 0.1 है ना। तो 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आएगा 0.9, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ, इज इक्वल टू 1/2, ये 1.02 है, प्लस 9 × 2 = 18, 1.8। अब आप इसको इसमें ऐड कर दो, हाँ, तो ये हमारा आएगा कितना 2.82/2, 1.42, सॉरी 1.41, 2 से डिवाइड किया ना, ये रहा। ओके, तो ज्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं, आपको पता लग गया कि ट्रेपीजोइडल से कैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये एक आया है रंगे कट्टा मेथड से, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम बाद के लिए बचा के रखते हैं। अगर आप एग्जाम में आए तो इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। तो मीन है मैंने बताया था एनपी होता है, एनपी दे रखा है 4, और वेरिएंस होता है एनपी क्यू, वो आपको दे रखा है 4/3। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो इन दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे तो एन पी क्यू बाई एन पी दैट इज 4/3 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपकी क्यू की वैल्यू आ गई 1/3। सो क्यू है 1/3, तो पी क्या होता है 1 - q, दैट इज 1 - 1/3, तो 2/3 आ गया। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट करो, एन इंटू पी इज इक्वल टू 4 है, तो एन 2/3 इज इक्वल टू 4, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 4 × 3/2, सो 6, टेन की वैल्यू 6 है, पी की वैल्यू 2/3 है ना, तो मैं लिख देती हूँ एन इज इक्वल टू 6, पी इज इक्वल टू 2/3। अब उसने पूछा है इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब एन और पी क्यू की वैल्यू है और आर की वैल्यू उसने कहा है 0, ये है ना, तो यहाँ पर पुट कर दो 6c0, पी की वैल्यू 2/3 है और इसकी पावर 0 करनी है, 1/3 इसकी पावर 6 हो जाएगी क्योंकि 6 - 0 करना है ना, सो दैट विल बी इक्वल टू 6c0 1, ये भी 1, तो यही बचा बस 1/3 की पावर 6, तो 1/3 की पावर 6 यही आएगा, आई थिंक यही होता है ना, 2/4 भी तो नहीं होता, देखिए 1 मिनट, 3 × 9 81 और इंटू 9 है ना, 9 और 8 × 2 = 8, 72 यही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये फिर टेलर सीरीज के बेस पे आ गया। तो टेलर सीरीज अगर आप लोगों को याद हो, आपने किया भी आई थिंक कैलकुलस में, तो वाई ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई एट 0 देन प्लस कोई एक्स आएगा देन वाई डैश प्लस x²/2 ( y" एंड सो ऑन, है ना, ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो वाई एट 0 की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो यहाँ से वाई 0 की वैल्यू कितनी दी 1, फिर प्लस अब एक्स वाई डैश, वाई डैश आपको कितना दे रखा है ये रहा है ना, बट एट 0, एट 0 पे तो 0 है,
क्योंकि आप जैसे ही ये आपका क्या है y डैश एट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई, तो ये आपको जीरो दे रखा, तो x इंटू जीरो हो गया, देन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय टू। अब आप y डैश डबल डैश करो, इसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y डबल डैश कितना आएगा, माइनस ऑफ y, है ना, और माइनस ऑफ y आया। हाँ, और y की देखो माइनस ऑफ y, बट कौन से पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट प्लस x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डेरिवेटिव, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करो, इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे माइनस वन आएगा, और आगे तो है ही नहीं, वो तो सारे जीरो हो गए। सो दैट इज इक्वल टू वन प्लस, ये तो जीरो हो गया, x इंटू जीरो है, y की वैल्यू जीरो पे कितनी है, वन, ये रहा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आएगा मेरा माइनस ऑफ x की पावर 3, सॉरी x की पावर 2 बाय 2, और ये आया मेरा माइनस ऑफ x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल। कुछ गलती किया है क्या हमने, मुझे तो सही लग रहा है। क्योंकि x की वैल्यू जीरो पे, ये तो जीरो हो गया, ओके, ओ ओ ओ हाँ 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 रुको रुको, एक गलती की हमने, जो y डैश है ये है, तो y डबल डैश क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव आएगा 1, ये होगा। तो यहाँ पर हमने ये गलत किया, रुको ये चीज नहीं आएगी इधर, इनको देखते हैं अभी। तो यहां से मेरा आएगा माइनस ऑफ x, सॉरी हाँ ये आएगा x, और y डैश की वैल्यू देखो ये है ना, y डैश की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो माइनस ऑफ एक्स वाई, ओके, एंड प्लस y, और इसकी वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू जीरो है, ओके तो यहाँ से ये तो मेरा जीरो हो गया, तो ये आएगा माइनस का y, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, और वो भी एट x इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से। अब इसी तरह से मुझे f ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है, अब जब हम ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव करना है अब आपको, ये आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस का वाई आया है, और ये बाहर भी माइनस है, तो बेसिकली ये मेरा आया दिस, ये प्लस का और ये माइनस का। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, एंड देन वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 2x, एंड देन माइनस ऑफ y का डेरिवेटिव, इस तरह से करेंगे। सो देन अगेन इसमें जब आप x की जगह जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, माइनस ऑफ y डैश व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। अब y फोर्थ डेरिवेटिव, ओके फोर्थ डेरिवेटिव में वापस इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये एज इट इज y का डबल डेरिवेटिव प्लस y डैश एज इट इज इसका डेरिवेटिव 2x। अब इसकी बारी, प्लस 2 इंटू पहले x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, देन माइनस ऑफ y डबल डैश, ये आया। अब इसमें भी आप जब भी x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2y माइनस y डबल डैश। अब ध्यान से देखो, और y डबल डैश की वैल्यू है हमारे पास ये रही, तो y डबल डैश की वैल्यू रख देती हूँ 2y माइनस y, है ना, ये है। बट y डैश आपका क्या है, y डैश आपका माइनस ऑफ एक्स वाई, ये हमें गिवन है, और जब आपको x की वैल्यू जीरो पुट करनी है तो ये भी जीरो हो जाएगा इस तरह से, और ये हमारा आएगा एक्स वाई, यहाँ पर आप पुट करोगे, नहीं ये तो 1 था ना, ये माइनस का 1, और ये आएगा 2, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 2 माइनस 1 1, ये माइनस 1 आया।
ओके ठीक है, तो हमारा यहां से क्या आएगा, ये तो जीरो हो गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश आया है मेरा माइनस का 1, देन प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल ट्रिपल डेरिवेटिव, तो ये मेरा ट्रिपल डेरिवेटिव है, ये मेरा जीरो है ना, एक्स की पावर 4/4, फोर्थ डेरिवेटिव हमारा आया 1, ये 1, इस तरह से चलता रहेगा, बट मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी हमसे मैच कर रहा है। पहली बात तो ये गलती है, क्योंकि 3 वाला तो मेरा 0 आ रहा है, ये भी गलत है क्योंकि मेरा 1 भी आएगा शुरू में, है ना, बट ये वाला तो मैच नहीं कर रहा मेरा फर्स्ट वाला, तो हो सकता है नन ऑफ अबो ऑप्शन हो। इसका आ रहा है 8, 8 4 फैक्टोरियल है ना, 4 × 3 × 2, तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर 3 आना चाहिए था। एक मिनट चेक करते हैं, हो सकता है हमने गलत किया हो। हाँ, सही है सही है सही है। देखो यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की, वाई डबल डैश की वैल्यू है माइनस वाई के इक्वल, तो यहाँ पर आएगा प्लस वाई। अब ठीक है, तो ये मेरा 3y हो गया और वाई की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर अब मेरा आएगा, कहाँ गया विराम, यहाँ पर आएगा 3। अब ठीक है, तो ये प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल और इंटू में 3, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आया, ये वाला, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ना हमारा, तो इसको हम अगर इरेज भी करें दिस 1, तो ये हमारा डिवाइड में 8 है, ये आंसर है। चलो तो ये फर्स्ट आंसर है, इसलिए कह रही हूँ मैं, थोड़े से कंप्यूटेशनली लंबे हो जाएंगे है ना, इसलिए। ओके, मीन एंड वेरिएंस किसके सेम होते हैं, बाइनोमियल का तो नहीं होता, बाइनोमियल में तो एनपी मीन होता है और एनपी क्यू वेरिएंस होता है, तो सेम नहीं होता, तो ये गलत। नॉर्मल में भी नहीं होता, नॉर्मल में मीन म्यू होता है और वेरियंस कुछ सिग्मा होता है और अलग अलग होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम मीन को 0 लेके चलते हैं, वेरियंस को 1, तो ये भी गलत है। पॉइजन के सेम होते हैं, पॉइजन में लैम्डा ही मीन होता है, लैम्डा ही वेरिएंस होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कहा है, वही मीन एंड वेरिएंस दे दिया और कुछ किसी की वैल्यू पूछी है, तो मीन है हमारा NP 3 और NPQ है 3/2, है ना, वैसे ही फॉलो करेंगे हम, तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 3/2 और बाय में 3, तो ये आएगा हाफ, तो p की वैल्यू भी हाफ आएगी क्योंकि 1 - q करते हैं, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू p 3 × p, है ना, सो दैट इज 6, तो n की वैल्यू ये है, p की वैल्यू ये है। अब उसने पूछा है x लेस देन इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5, बट n की वैल्यू है ही 6 तक, देखो n की वैल्यू 6 आई है, तो आप एक काम करो ना, 1 - probability that x is equal to 6 कर दो, क्योंकि जैसे आपने 6 वाली माइनस कर दी ना प्रोबेबिलिटी, तो कौन सी बचेंगी, 5 या 5 से कम वाली, और वही पूछा है उसने, 5 से लेस और 5 के इक्वल वाली बताओ, तो हमें सिर्फ ये करना है, 1 - 6c6, 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0, तो यहाँ से आएगा 1 - 1/2 की पावर 6। ओके, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 ना, सो 1 - 1/64 दैट इज 63/64, ये आंसर है दिस वन, इस तरह से। ये वापस से सेम क्वेश्चन आया है, इसका हमारा आंसर ये होता है। अब देखो गॉस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें हमारी जो इंटीग्रेशन की रेंज होती है वो क्या होती है, दो टाइप की होती है वैसे तो, हमारी जो बुक है ना उसमें हमेशा -1 से +1 ले रखी है, बट कुछ कुछ ऑथर्स -1/2 से +1/2 भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन में दिया नहीं है। ओके, बट अपनी बुक में -1 से +1 है, तो ये चीज और याद कर लेना। नेक्स्ट, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल में हम क्या अपना, मतलब जो हमारी कर्व है वो कैसे अज्यूम करते हैं, ये पता नहीं शायद आप लोगों को कम ही पता हो, बट याद कर सकते हो कि हम पैराबोला अज्यूम करते हैं हमेशा, और ये हमने किया
कि गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला किसके लिए होता है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, है ना। वापिस से कुछ क्वेश्चंस एकदम रिपीट हुए हैं। अभी ये भी देखो, 1 और 2.75, तो इसके लिए आई थिंक ये मैंने 2 बार ले लिया है। ये भी हमने सॉल्व किया ना, तो ये ऊपर की तरह ही है। देखो ये वाला हमारा ये आएगा स्टैंडर्ड है, तो मीन 0 वेरियंस 1, और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट इज मिसिंग टर्म इन द टेबल। मिसिंग टर्म इन द टेबल में वही वाला फॉर्मूला जैसे अभी किया ना हमने, कि वहां पर हमने क्या किया था, डेल्टा की पावर 4 y0 इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेल्टा की पावर 5 y0 इज इक्वल टू 0, और डेल्टा को हम क्या कहेंगे, e-1 की पावर 5। और फिर आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, तो ये बनेगा e की पावर 5 माइनस 5 e की पावर 4, देन प्लस 10 होता है आई थिंक। देखो ऐसे होता है ना, पता ही चल जाएगा, 5 × 4/2 है ना, तो 10 ही आएगा। e की पावर 3, देन माइनस 5 4 3, और ये आएगा 4 नहीं 3 2 1 e की पावर 2, देन प्लस, अब मेरा वापिस से 5 आएगा, 5e एंड देन -1। ओके, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये दोनों 10 है, सो 10 10, और साथ में है y नॉट। अब यहाँ पर मैंने बताया कि e का मतलब होता है शिफ्ट कर देना, तो e की पावर 5 है तो y5, -5 e है तो y4, y3 -10 y2 प्लस 5 y1 एंड देन माइनस ऑफ वाई नॉट इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज हैं अपने पास, ये वाई नॉट है, ये y1 2 3 4 नहीं पता, 5, तो y5 है 32 माइनस 5 y4 नहीं पता हमें, 10, y3 है 8 -10, y2 है 4 प्लस 5 × 2 माइनस y1, y नॉट है 1। ओके, सो 32 प्लस 80 माइनस 40 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 y4। तो यहाँ से देखो भाई कितना आएगा, एक तो ये और ये मिलके 90 हो गए, 90 में से 40 गए तो 50। ओके, 32 प्लस 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 y4, सो दैट इज बेसिकली ये हमारा आएगा 50, और ये 31 ना, तो 81/5 आया। ओके, 5 तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो 5, अरे हाँ 5 × 5 कितना बचा, 3, और 5 × 6 30, एंड देन 5 × 2 10, तो 16.2। ओके, बट आप अगर गैस करोगे तो आपका 16 आंसर आएगा, तो गैस नहीं करनी है यहाँ पे। ऊपर वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही गलत हो जाता है ना, बट यहाँ पे पूरा सॉल्व करना। और इसमें देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा, अभी तो मैंने स्पीड में इसलिए किया क्योंकि हमने क्वेश्चन सेम कर लिया है, तो हार्डली 1 मिनट लगेगी पूरा सॉल्व करने में अगर आपको प्रोसीजर याद हो गया तो। 5 वैल्यूज गिवन है, तो डेल की पावर 5 से स्टार्ट करो, 4 वैल्यूज गिवन है तो डेल की पावर 4 से स्टार्ट करो, इस तरह से कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन रह गया हमारा रंगे गट्टा मेथड का, ये वाला। मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, ये आप एज ए होमवर्क ले सकते हो क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमेशा ही ना आपको सिर्फ फॉर्मूले मेन याद होने चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो रंगे गट्टा मेथड में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका एक्स नोट क्या है, वाई नोट क्या है, और एक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हमें क्या करना है, कुछ 4 टर्म्स निकालने हैं, K1, K2, K3, K4। K1 क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, देन K2 क्या होगा हमारा, h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस h/2 एंड h नोट प्लस K1/2। पहले K1 निकलेगा, ओके, फिर ये K1 यहाँ पे पुट होगा, ये चीज यहाँ पर h नोट नहीं है, y नोट आएगा, सॉरी। फिर K3 क्या आएगा, H, बाहर H सब में आएगा, और ये फर्स्ट वाली वैल्यू अब सेम रहेगी, दिस वन,
अब वाई नॉट प्लस, अब यहाँ पे के वन था, अब यहाँ पर के टू आएगा ना। नाउ लास्ट इज दिस, लास्ट में हमें क्या करना है, एक्स नॉट प्लस एच आएगा एंड देन कोमा वाई नॉट प्लस के थ्री आएगा, ठीक है। ये बाई टू वाले हट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक हमारा इन सब से ओवरऑल एक के बनाना है, के दैट विल बी इक्वल टू 1/6। फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज रखो, के वन और के फोर, और सेकेंड और थर्ड की टू टू से मल्टीप्लाई। इसलिए कह रही हूँ मैं थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर मैं सॉल्व करके दूंगी, तो आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। आपका की आएगा, ठीक है। जैसे ही की आया तो आपको क्या करना है, वाई वन निकालना है ना, नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो वाई वन क्या आएगा, वाई नॉट और प्लस के कर दो। तो बेसिकली आपका सारा काम है के निकालना। तो अगर आप खुद करोगे तो आपको और भी पता लगेगा कि आप कितनी स्पीड से कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग आराम से इसको करके और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके बताना कि आप लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा। ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप भी कर सकते हो एग्जाम टाइम में, बट अभी सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया है कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हमें करने हैं, है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।